चलें स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। अगर अपन लेके चलें तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन का अगर अपन बात करें तो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट का अपना थर्ड लेक्चर चल रहा है, और इसमें अगर अपन देखें सिस्टमेटिकली तो हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। 16 से लेके 19 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, अगर मैं बात करूं तो गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सबसे नीचे गिवन है आपको 3 लैक्स, ठीक है ना। तो जितना कोई मुझसे पूछे उसका लॉजिक क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से तो काफी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो वो है शायद आपके पास 3 लाख रुपए। सर अपना रूल क्या बोलता है, अपना रूल नॉर्मली बोलता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है प्लस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग नॉर्मली क्या होता है माइनस। देन अगर अपन बात करें तो एडवांस एट बिगिनिंग हमारा प्लस होता है, एंड देन एडवांस एट एंड वो हमारा क्या होता है माइनस, एडवांस एट एंड हमारा माइनस होता है। सर ठीक है, एज पर द इंफॉर्मेशन अगर अपन देखें तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब साल की स्टार्टिंग, उन्होंने 1 अप्रैल देखे रखा उसमें सोचा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर, मतलब मेरे ख्याल से वो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग होगा जो 1 अप्रैल 2020 को देखे रखा है। अगर आप चेक करोगे अरियर मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप देखोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 50,000 रुपए। नेक्स्ट अगर बात करें सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी गिवन है तो एडवांस एट बिगिनिंग आ जाएगा तो प्लस कितना 30,000 रुपीज। सर 31 मार्च अगर मैं बात करूं, 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग इन अरिया कितना है 25,000। तो इसका मतलब अगर वो 31 मार्च का गिवन है, 31 मार्च 2021, तो जितना मेरे को लग रहा है वो आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा। और अगर इसी में एडवांस देखें तो कहीं ना कहीं 31 मार्च 2021 को अगर अपन एडवांस वाला पार्ट देखें तो कितना आपके पास -70,000, ठीक है ना। अभी पहले इसको देख लेते हैं एडवांस एट एंड को भी, मतलब ये तो अगले साल का है, इस पे तो अपना माय हार्ट इज बीटिंग आता है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें और सिस्टमेटिक देखें तो एक बार आंसर चेक करेंगे तो कितना आएगा, जितना मेरे को लग रहा है शायद 55 तो प्लस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 2,35,000। अब यहाँ पे जो सबसे जैकपॉट पॉइंट है समझाने का, क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन देके रखी, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर ऑफ 1920s 10,000। सर इसका क्या करेंगे, इसका मतलब जो ऐसा बोल के रखा है स्टिल इन अरियर ऑफ 1920 इसके तहत 10,000। अब इसका मतलब क्या, ये पहली बात तो इस साल के मक्का रहे कि पिछले साल के मक्का रहे। सर देखो ये जो आपका करंट ईयर चल रहा है वो करंट ईयर चल कौन सा रहा है 2021, एम आई राइट। जो आपका इस पूरे साल का हिसाब किताब कैसा कर रहे हो, 2021 का हिसाब किताब कर रहे हो, तो ये इस साल के मक्का रहे कि पुराने मक्का रहे, ये पुराने मक्का रहे कि इन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो सर क्या ये ऑलरेडी इस 25,000 में इंक्लूडेड होंगे, तो आंसर इज यस, क्योंकि आपने क्या लिखा है 31 मार्च 2021 के सारे मक्का, धक्के कितने मक्का, सारे मक्का, तो ऑलरेडी ये 10,000 रुपए यहाँ पे गिवन है क्योंकि आपको ये दिया है एज ऑन, क्या दिया हुआ है एज ऑन। अगर ये फॉर द ईयर दिया होता तो इस साल के मक्का होते, और एज ऑन का मतलब क्या आज तक के सारे मक्का, एज ऑन का मतलब क्या आज तक के सारे मक्का, इसीलिए ये 10,000 को आप अलग से फिर से नहीं लिखो, इस 10,000 को आप अलग से फिर से नहीं लिखो, आया समझ में। तो पहले तो इसको कर लो अच्छे से, फिर डाउट पूछना दोस्तों। चलें क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं, तो 20 को हटा के हम लोग इस पे आ रहे हैं 21 पे। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है,
सब्सक्रिप्शन सबसे पहले तो गया है, अरियर वाला पार्ट गिर रहा है 500। मेरे को तो जो सबसे काम की लाइन लिख रही है ना वो दिख रही है सी वाला पॉइंट। तो अगर आप सी वाला पॉइंट देखेंगे तो अपन सी वाले पॉइंट पर वर्क ऑन करने की कोशिश करते हैं। उसमें दिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना 35,400। उस 35,400 में क्या क्या है अगर अपन देखें तो 400 फॉर द ईयर 31 मार्च 20 और कितने हैं 1200 फॉर 2022 और 1300 फॉर 2023। मैंने बोला मतलब साल चल रहा है, आप तो सोच के रखो 2021 चल रहा है 2021। तो इसमें 20 के कितने रुपए हैं, 2020 का है 400, ठीक है ना। कुछ लोगों ने 22 के पैसे भी दे दिए, कुछ लोगों ने 23 की भी दे दी। चाहे किसी ने 22 के दिए हो या 23 के दिए हो, ये दोनों ही पैसे क्या इस साल के हैं कि आने वाले सालों के, आने वाले सालों के हैं। तो 22 और 23 के लिए जितना भी पैसा आया है जो कि ये 1200 और 300, ये तो माय हार्ट इज बीटिंग के नाम पे क्या हो जाएगा माइनस। इसको अपन क्या बोलते हैं हमेशा प्रीपेड एट एंड या एडवांस एट एंड, क्योंकि किसी ने 22 का पैसा दे दिया है और किसी ने 23 तक का पैसा दे दिया है। तो क्या मतलब ये इस साल का पैसा है कि पिछले साल का पैसा है, आने वाले सालों का पैसा, आने वाले सालों का पैसा है। तो सर इसका अगर ढंग से बायपोजिशन करें तो 3500 में से 1500 रुपए तो एडवांस एट क्या है एंड, ध्यान रखना 400 रुपए पिछले साल के आए हैं। इन शॉर्ट इस साल के लिए कितने रुपए आए अगर किसी को निकालने हो तो वो आए हैं 33,500 जो इस साल के लिए आए, इसके लिए आए इस साल के लिए। अब सर इस पूरे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से डील करोगे? अगर इस पूरे क्वेश्चन को मेरे को डील करना हो तो मैं सबसे पहले अपने फॉर्मेट में जाऊंगा और जाके सबसे सेफ काम करूंगा, एडवांस एट एंड में कितना डाल दूंगा 1500। एडवांस एट एंड में कितना डाल दूंगा सर, अगर आप यहाँ पे एडवांस एट एंड की बात करो जहाँ पे आपका हार्ट भी बना हुआ है, आप एडवांस एट एंड में जाके लिखो 1500 रुपए क्या हो जाएंगे माइनस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है 35,400। ये भी ठीक है सर। और इन्फॉर्मेशन क्या देके रखी है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2020 तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी देके रखा है फर्स्ट ए वाली एडजस्टमेंट जो कि कितना गिवन है 500, जो कि कितना गिवन है आपके पास 500। अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर 2021 मतलब एडवांस एट बिगिनिंग, पहली बात एडवांस है कब आया 2020 में पैसा आया कौन से साल के लिए 2021 के लिए, इसका मतलब साल शुरू होने के पहले इस साल का पैसा आ गया। पहली बात तो खुद बताओ साल शुरू होने के पहले अगर साल का पैसा आ रहा है तो क्या वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा कि एडवांस, एडवांस। अच्छा साल के एंड में अगले साल का पैसा आना, साल के एंड में अगले साल का पैसा आना इज एडवांस एट एंड, लेकिन साल शुरू होने के पहले इस साल का पैसा आना इज एडवांस एट बिगिनिंग। तो सर वो कितने रुपए हो गए आपके 1100 रुपए, ठीक है सर। अगर आप देखोगे तो आखिरी में दिया हुआ 30 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर गिवन है कितना 400, फॉर द ईयर कितना गिवन है आपके पास 400, मतलब 2021 के लिए बकाया कितना है 400। अभी ये बात समझनी पड़ेगी पिछले साल का बकाया कितना था, अगर अपन बात करें तो सर पिछले साल का बकाया था 500, पिछले साल का बकाया कितना था 500 और उस 500 में से आए कितने, अगर अपन बात करें इस 500 में से अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो आपको इस चार्ट के अंदर आपने देख के रखा है, अगर मैं बात करूं तो उस 500 में से अगर अपन देखिए तो पिछले साल 2020 के बकाया कितने थे, अभी अपन ने लिखे कितने 500, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में लिखे अपन ने कितने 500, उसमें से आए कितने 400। तो क्या 100 रुपए के पुराने मक्कार भी हैं, खुद सोचो क्या 100 रुपए के पुराने मक्कार भी हैं क्या। सर अगर अपन पूरे क्वेश्चन को एट अ ग्लांस समझे, अब ये समझो पिछले साल लोगों से पैसे कितने लेने थे 500 रुपए, उस 500 में से इस साल आए कितने हैं 400, तो क्या 100 रुपए पिछले साल के बकाया भी हैं। हाँ अब मुझे बताओ ये 400 है, ये 400 क्या बोल के रखा था फॉर द ईयर, क्या बोल के रखा था मतलब 400 इस साल के मक्कार है और क्या 100 पुराने मक्कार भी हैं, तो क्या इस बार ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर पिछली बार तो आपने ऐड नहीं कराया था 10,000, तो पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 इसलिए ऐड नहीं कराए थे, यू गिवन था एज ऑन, क्या गिवन था एज, और इस बार के क्वेश्चन को देखोगे तो क्या गिवन है फॉर द ईयर,
क्या गिवन है फॉर द ईयर। अगर अपन इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहे तो जितना मुझे लग रहा है 500 से 500 तो कट जाएंगे, 1100 माइनस 1500 तो शायद मेरे ख्याल से 35,000 इज द टोटल आंसर। सर आपको पता ही है अपन बोलते हैं ए ए ले ले, तो इसका मतलब क्या, ये एसेट, ये एसेट, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, ये कौन से एसेट, एंड वाली बैलेंस शीट अभी लिखा ही क्या है एंड, ये एसेट में कहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी किसकी है ओपनिंग, ये लायबिलिटी किसकी है एंड ऑफ। ठीक है एक बार चेक कर लो अच्छे से, चलें अगर अपन अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चले आप और मैं साथ में, तो ये तो बिल्कुल प्रस्तुत प्रश्न दिख रहा है मुझे एक प्रकार से, मतलब इसमें तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना चाहिए था क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर तो इन्होंने क्या परोस के देके रखा है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने परोस के देके रखा है 358,500। ठीक है थैंक यू। फिर अगर अपन बात करें अपने को चाहिए क्या रहता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, अपन क्या करते हैं एड नॉर्मली, फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग अपन माइनस करते हैं, प्लस क्या करते हैं प्रीपेड एट बिगिनिंग और माइनस करते हैं प्रीपेड एट एंड। तो सर अगर हम आपकी बात माने तो क्वेश्चन में खुद ही क्या बना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, मतलब 2020 मतलब बिगिनिंग, तो कितना है वो 30,000 जाके माइनस कर दो, फिर क्या गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस वो भी कब का 2020 का, तो वो कितना हो गया 13,500, तो उसको क्या कर दो प्लस कर दो, फिर क्या गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 22,500, ये 22,500 शायद, ये 22,500 है आपके पास और एंड में कितना है 13,500, तो अगर अपन लेके चले अच्छे से तो ये आपका कितना हो जाएगा 22,500, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 13,500 और आउटस्टैंडिंग एट एंड वो हो जाएगा 37,500। हिसाब किताब कर लोगे 375,000 आ जाएगा जो आपका आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लड्डू ही हो गया परोसा हुआ। सर ठीक है सर क्या ये लड्डू है, मैंने बोला हाँ ये तो खैर प्रॉपर वाला लड्डू ही है। अब अगर अपन 23 भी देख लें इसके साथ, तो चलो सर अगर अपन लेके चले क्वेश्चन तो अपन 23 देखते क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन किस तरह जाएगा, अगर आप अलाउ करो तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है क्या तो सर अगर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट फॉर्म में दिया हुआ है इन द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना 210,000। हमने बोला ठीक है जो उसके ब्रैकेट में लिखा है अभी थोड़ा सा उसको भी समझेंगे, लेकिन टोटल रिसीव कितना हुआ है 2,00,000। ऊपर की अगर बैलेंस शीट देखें तो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, सर ओपनिंग में 20,000 और क्लोजिंग में शायद दिया हुआ है 18,000, चेक करो बैलेंस शीट फॉर्म में देख रखा ना उन्होंने, और एडवांस बिगिनिंग में कितना है 13 और एंड में कितना है, एंड में है 11। ठीक है ना तो सर ठीक है सर, फिर उस ब्रैकेट वाली चीजों को कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा अगर आप देखोगे तो 18 और 13 कितना हो गया 31, 31 में से शायद 31 तुम्हारा क्या हो गया एक मिनट अगर मैं बात करूं तो 18 + 13 = 31 और माइनस भी कितना हो रहा 31 कहां पे, अगर अपन देखें अब यहां पे तो चलो ठीक है आपका यहां तक का आंसर यूं तो पूरा राइट है 210,000। अभी समझिएगा, हाँ ला रहा हूं आपको क्या बोला है सब्सक्रिप्शन अरियर ऑफ प्रीवियस ईयर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब है पिछले साल उसको बैड डेट्स मान ही लिया था, कब माना था इस साल कि पिछले साल, तो अगर अपन बात करें अगर वो रिटर्न ऑफ हो गया था लास्ट ईयर तो ये खर्चा कब का था लास्ट ईयर का, हाँ के ना, तो अगर आप चाहो तो यहीं पे जो आपका आउटस्टैंडिंग है क्या आ रहा है बिगिनिंग, आप चाहो तो इसको 16,000 लिख सकते हो ताकि 214 आए, या तो आप इस साल का प्रॉफिट बढ़ा के लिख सकते हो, क्यों 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 मैं आपको बता रहा हूँ,
कि कुछ लॉस अपन लास्ट ईयर का मान चुके, मतलब पैसा तो आएगा ही नहीं। अरे वो पैसा नहीं आएगा कब, ये इस साल मालूम पड़ा कि लास्ट ईयर ही मालूम पड़ जाता लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो आपका आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग के नाम पे लिखा है ना 30, चाहो तो इसको 20 माइनस कितना 4 करके यहाँ पे 16 लिख देते, या चाहो तो एंड में जाके इसको ऐड कर दो, क्योंकि रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ, इसको हम लास्ट ईयर ही लॉस मान चुके थे, गॉट इट। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में आपको लिखना चाहिए ऑफिशियली आपको 16,000। अगर यहाँ पे 16,000 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2,14,000 या और यहाँ पे जाके क्या करो ऐड करो जो आपको सही लगे। अगेन उस लाइन का मतलब पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, इसका मतलब पिछले साल का 4,000, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो बकाया था वो हमको पिछले साल ही मालूम पड़ गया था कि नहीं आएगा, तो जब आप आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग लिख रहे हो कितना 30, वो होना कितना चाहिए 16, गॉट इट। चले अगर अपन क्वेश्चन नंबर 24 तो क्या है, लड्डू है। अगर मैं बात करूं तो वो लड्डू क्यों है, क्योंकि उस क्वेश्चन में सब कुछ ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मेट फिलिंग करनी, तो फॉर्मेट फिलिंग करनी है, मतलब अगर आपने फॉर्मेट बना लिया किसका सब्सक्रिप्शन का, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस है, तो उसको खुद ही करना है। सारे अमाउंट दिए हुए, पहले 2 एडजस्टमेंट दिए, फिर 3 एडजस्टमेंट दिए, तो कोई ना कोई चीज आउटस्टैंडिंग एट एंड, कोई आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है, आप करोगे अपने आप आ जाएगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो सर अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 25 की भूमिका पूछी जाए तो आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 19-20, 75,000 फॉर 21-22 और कितने 25,000 फॉर 2023। 25 का एग्जाम्पल सुन लो, वो ये बोल रहा है कि कुल मिला के 19.5 लाख का है, लेकिन उसमें से 19-20 के लिए कितने है 50,000, ठीक है ना। उसने 20-21 का नहीं बताया कितने आए, लेकिन उसने ये बता दिया कि भाई 21-22 और 22-23 के लिए भी पैसा है। मैंने बोला अच्छा, मतलब ये चीज जहाँ मिल जाती है ना, पता नहीं क्यों ऐसा हार्ट बनाने की इच्छा होती है, माई हार्ट इज बीटिंग, ठीक है ना। तो अगर अपन माई हार्ट इज बीटिंग का मतलब समझे तो 75,000 और 25,000 रुपए क्या है ये, सर ये एडवांस एट एंड है, ये हमेशा कह रहते हैं एडवांस एट एंड। तो सर अगर लॉजिकल बात करें तो कुल मिला के 19.5 लाख में से इस साल के लिए पैसा कितना है, 50 ये कट गया, 1 ये कट गया, इन शॉर्ट 18 लाख रुपए इस साल के लिए आए, 18 लाख रुपीस इस साल के लिए मंगाया गया है। सर ठीक है, कोई लोड नहीं है। अब अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो इसी को अपन बेस लेके आगे का क्वेश्चन लेंगे, 19.5 लाख में से ऊपर का 50 और नीचे का 1 लाख का कर दो माइनस कर दो। तो सर अगर अपन इसको सिस्टमेटिक लेके चले तो हम किस तरफ जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 19,50,000। अगर कोई मुझसे पूछे सर आउटस्टैंडिंग एट एंड गिवन है क्या, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या होगा माइनस, और इवन अगर अपन हाथों हाथ लिख दें एडवांस एट बिगनिंग, तो सर एडवांस एट एंड तो है ही, मतलब जो एडवांस एट एंड होता है ना मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है, बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा हार्ट क्या करता है बीट करता है, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें तो ये कितना है 1 लाख, ये कितना है 1 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020 इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 2021-22। एक बात ध्यान रखना, एडवांस एट बिगिनिंग जो आएगा ना इस पर्टिकुलर केस में वो आएगा आपका 87,500 माइनस 37,500, क्योंकि सुनो ना किसी ने 2020 में ही हमको कुल मिला के 87,500 दे दिए, जिसमें से 20-21 के लिए कितने थे वो नहीं पता, लेकिन हाँ 21-22 के लिए कितने थे 37,500। तो सर किसी ने आके मुझे पूरा पैसा दिया 87 कितना 500,
87,500 ठीक है, उसमें से 21-22 के लिए कितना दिया 37,500, 21-22 के लिए कितना दिया 37,500, तो 20-21 के लिए कितना दिया 50,000। अब मैं आपसे चीख चीख के पूछ सकता हूँ कि हम अकाउंटिंग कौन साल की कर रहे हैं, 20-21 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी किसका 20-21 का, बैटिंग रेट समझ में आ रहा है कि कुल मिला के किसी ने मुझे पैसा दिया, सर ऐसा करो आप तो मुझसे ना अगले साल की फीस ले लो, अगले की अगले साल की फीस लो, पापा अभी देने को तैयार है, अभी आप नहीं ले लो, तो उस बच्चे ने क्या मुझे इस साल की फीस भरी कि अगले साल की भी और अगले साल की। तो अगर मैं अभी सिर्फ 20-21 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे किसको कंसिडर करना है, 87,500 को करना है कि 37 को करना है कि 50 को करना है, तो सिर्फ 50 को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50,000 रुपए क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। सर कुछ और भी गिवन है क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग देके रखा है, ओपनिंग में कितना है 1,00,000 और क्लोजिंग में कितना है 1,25,000, तो 1,25,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर अगर इस पूरे को अगर अपन समझें तो कहीं ना कहीं इसका नेट आंसर अगर मैं बात करूं 80, अच्छा नीचे कुछ और बात भी दी थी, आउट ऑफ दी टोटल सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि अगर अपन बात करें आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में, कि इसमें से 37,500 आएंगे ही नहीं, आखिरी एडजस्टमेंट लिख रखी है कि इसमें से 37,500 नहीं आएंगे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो कितना 1,00,000, तो खुद ही बोल रहे हैं कि साल के स्टार्टिंग में जितने सब्सक्रिप्शन है उसमें से 33,500 नहीं आएंगे। तो अगर 37,500 नहीं आएंगे तो यहाँ बकाया ही कितने रहे फिर 62,500। अब सर ऐसे में अगर अपन देखें टोटल क्वेश्चन को मिला के तो जितना मेरे को लग रहा है 1,75,000 तो प्लस हो रहा है और 1,62,500 माइनस हो रहा है, तो अल्टीमेटली 19,62,500 यहाँ पे आ जाएगा जो कि अपना टारगेट रहेगा।